न्यूज देसी के सारे दर्शकों ने भाई मनीक जागलान की राम राम। टिकरी बॉर्डर पे न्यू जमा न्यू स्वाद है रहा भाई किसानों बीच में जाके ना टिकरी बॉर्डर ते देखी दू किसान भाई बैठे हैं, मस्ती चल रही है। इनसे बात करांगे के माहौल है, किस तरह बात करें। सारे भाई बैठे हुए हैं बिल्कुल, सारे भाई राम राम भाई, राम राम भाई। जोरदार नारा ला दो बोलिए, हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, फौजी मर गया, हाय हाय, फौजी मर गया, हाय हाय, खट्टर मर गया, हाय हाय। बोलो भाई, कंगना रणवीर कर गया, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब एकता। भाई राम राम, राम राम जी, राम राम। कहाँ से आ भाई? हम पंजाब से, लंबी ब्लॉक जिला मुक्सर से श्री साहब, ते पिंड कंगनखेड़ा। कंगनखेड़ा से? हाँ जी। तो भाई कितने दिन हो गए उराए ने? हमें यहाँ पर 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए? हाँ जी। तो के लग है कितने दिन और बैठना पड़ेगा? सरकार की में इस पर फैसला ले होगी या नहीं ले होगी? हमें यहाँ पर एक साल बैठना पड़े, दो साल बैठना पड़े, तीन साल बैठना पड़े, छह महीना बैठना पड़े, कितना देर भी बैठना पड़े। जितना देर किसान मतलब ये वापस नहीं लेगी कानून, उतना देर यहाँ पर ही हैं। चलो भाई, और भाई भी बैठे हैं पंजाब हरियाणा के। भाई सबसे बड़ी बात एक है, हरियाणा पंजाब के भाई संयुक्त रूप से एक जगह बैठे हैं। भाई सबसे बड़ी बात तो यह है, इसे बात पर सारा है तेरे एक बार बढ़िया वाला जय किसान का नारा आना चाहिए, किसान एकता। भाई राम राम। राम राम भाई। की तोड़ता है? मैं सोथा का हूँ भाई। अच्छा, ये सुना है के पता था हरियाणा पंजाब का भाई सारा बताऊं तना। हाँ। यू भाई पंजाब का, मैं हरियाणा गोड्या बैठा हूँ भाई। इतना एकता रहा भाई, एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भाई हरियाणा में गोड्या में कौन बैठा कर रहा है, उस हिसाब से कितना गहरा भाईचारा देख लो भाई का, जितना इतना गहरा भाईचारा भाई। अच्छा भाई, न्यू बताओ ना कौन सा काम बता? सोथा, सोथा काम बता। कितने साधन लेके आ रहे हो भाई? मामे लेके आ रहे हैं दो साधन भाई। अच्छा। चार मारे साधन तड़का लाऊंगे, दूध आओगा भाई। अच्छा, दूध आओगा। हाँ। पूरा कोई किसी प्रकार की समस्या? कोई समस्या नहीं भाई, एक खटर की समस्या है। खटरी की समस्या भाई? मोदी की समस्या है। अच्छा, वो बात कोई मानता किसान ना की? अच्छा। किसान बिलो रखे भी होती। अच्छा। हाँ, रिपता हमें उसने बिलो दो, बिलो रखा है। अच्छा, दो तीन दिन और रख ही सरकार नहीं, फिर तोड़ दे सरकार ने, बॉर्डर तोड़ के दिल्ली जवड़ांगे फिर दो दिनों बाद। भाई आज एक दुष्यंत का बयान आया है, दुष्यंत ने कहा कि अगर 48 घंटे भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो हमें उसने इस्तीफा दे देंगे। ओ है उती खान का चस्का पड़ गया भाई, सुनो बात रही, सुनो रही, सुनो उती पड़ गया खान का चस्का, वो इस्तीफा कौन दे भाई? कई साल में राजनीति आई है, वो कौन दे इस्तीफा? उती पड़ गया रुपया चस्का भाई, सच पूछे तो रुपया माँ बेटा बटले करा है, कुछ नहीं देता इस्तीफे सपे, रात नवे गिना है नोट, इस्तीफा सपा कौन देता? किसान तो सोचता कौन भी हो? किसान ही सोचता नहीं, ओड़ा किसान भाई बैठे थे नहीं उधर पिपली, उधर इस्तीफा देना था भाई, उधर मानना भाई किसान गला ही आज को किसान गला को नहीं, किसान गला है हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब, और कोई किसान गला को नहीं, ना मोदी ना खट्टर। अरे तुझे अर्जुन है पानी पड़ेगा हरियाणा पंजाब, पानी पड़ सकता नहीं और बसका नहीं है इस देश में कौन सा है? ये दोनों भाईचारा एक है, इब इब सब का जाटा छटरा जितना ताकत से नहीं भाई, यह दो में ताकत है, इन दो भाइयों में ताकत है और नहीं हिंदुस्तान के अंदर ताकते नहीं है इतनी, हरियाणा पंजाब एक भाई है, इब सब 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 भाई का जाटा छटरा है जो मंत्री हो चाहे कुने हो। हाँ। देख लो भाई अपने किसान भाई कितने जोश में रियो आ गया, हरियाणा की शान। हाँ। बिल्कुल ओका बीच में आ गया है, हरियाणा की शान को नहीं पंजाब की शान आ गई, पंजाब वाले भाई भी सिखा दियो कबीर भी बैठे। और भाई भी हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ 70 साल के इतिहास काल में इससे घटिया और गिरी हुई सरकार हिंदुस्तान में नहीं आई और उससे ज्यादा गिरी हुई सरकार हरियाणा में आई है। जो जो हम दुष्यंत चौटाला को भाजपा के खिलाफ वोट देके उसको सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे थे,
उसने आराम खोर ने हम किसानों के सभी वोट देके आज वो खट्टर की लुगाई बन के बैठा है। ऐसे कुछ ऐसे दुष्ट को आने वाले समय में हम सबक सिखाएंगे। हाँ जी भाई साहब। हेलो, ये एक ये बात है, हम तो हरियाणा भाइयों के साथ इतना मिल चुके हैं भी, हम तो आते भी मोदी ना, मैंने दो चार महीने ना ये ना लवे ए मुद्दे कसून बस ना लवे, ठीक है ना। मैं तो नजारा, हम यहाँ पर इतना खुश है ना हरियाणा भाइयों के साथ। भाई इन्हें तो इतना नजारा है क्या, मोदी के जितना दम है उतना ला ले बोले, हम तो आड़े रहेंगे, कितने एक दिन लाओगे। और भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, भाई साहब राम राम। राम राम जी, हम पंजाब से हैं जी, दीक्षित श्री मुक्तसर साहिब, और हमारा जौन है जो लंबी ब्लॉक है जी। हाँ जी, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है जी। चाहे कितने दिन ला दो मोदी, अरे जी इतना मजा तो शादी में नहीं आता जितना मजा यहाँ आ रहा है, इतना मजा साथ में नहीं आता। हम पंजाब हरियाणा वाले ये चाहते हैं कि मोदी को देखना चाहते हैं कि ये इस कानून को कितना, इस आंदोलन को कितना लंबा खींचता है। हम नहीं चाहते कि दो चार दिन में ये खत्म हो, हम चाहते हैं कि ये आंदोलन 6 महीने, 1 साल, 2 साल चले जी। देख लो अभी ये सरकार की कितनी गुदड़ी है। मोदी ने हम हरियाणा और पंजाब भाइयों को एक कर दिया है, जो वोटों की खातिर पार्ट रखा था ना जी, अलग कर रखा था। और मोदी को हम इस बात की वो देती हैं कि बधाई देती हैं, हरियाणा और पंजाब को एक कर दिया उसने। ठीक है भाई, और भी कुछ भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे भी बात करेंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवी की मैं के बढ़ास ले रहा है भीतर में, बस की मैं बढ़ास नहीं भाई, भाई या सरकार मान जो तीनों काले कानून वापस ले जो। अच्छा हाँ, बस यही बढ़ास है। जितने भी राजनीतिक आदमी है सारे यह बात कहो, इस्तीफा देवांगे देवांगे देवांगे, देन कोई नहीं लग रहा उसका ना भाई, इस्तीफा कोई नहीं देंदा, सारे रुपया ही छुड़न की हो रही है, कोई किसान गल्ला को नहीं, सारे झूठ बोला ही है यह बात, इस्तीफा भाई। राम राम। राम राम भाई, भाई क्या कहना चाहो, दो शब्द में एंडी एंडी बात बता दे। एंडी एंडी भाई, एंडी एंडी तो नहीं हुई, मोदी है नहीं मारा ना का तो ठीक है, जमा बढ़िया मेल बन रहा है, मजा आ रहा है जमा। हाँ यह बात से बढ़िया तो है, जय जवान जय किसान का नारा देश में दिया जाए। हाँ। आज दोनों आमने सामने हैं। हाँ। तो इसका दोष किसको पर मानो आप, किसका कारण मानो, मोदी का। तो आपने क्या उम्मीद है, कद तक इसका सोल आउट है उसका, कद तक इसका समाधान है उसका? वो तो मोदी जाना भी, अपन तो केवल मन की बात तो मोदी है जाना है। अच्छा हाँ, मन की बात तो हमें भी कर लो है, तो अभी आवाज़ तो बात बने भी कर बना। तो अब लास्ट संदेश के देना चाहो हमारा चैनल का माध्यम से, जो और भी लोग करते देखने लग रहे अगर हम बैठे हैं उन खातिर। बस सारे आ जाओ दिल्ली, मोदी मानेगा जद। अच्छा आज उन्होंने छोड़ छाड़ के काम धंधे और सीधे दिल्ली का रुख कर लो। नजारा फुल नजारा, मोदी है नहीं, और मैंने देखे भी।